वीडियो में मतलब पागल होने वाला हूँ, मतलब कि इतना बवाल जो न्यूज आया है, तो मैं क्या आप भी सुन के पागल हो जाएंगे। आप भी वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे जो आर्टिकल और न्यूज आ रहे हैं, भाई मैं कल का तो सुन के बवाल हुआ ही था, मगर आज जो सुना हूँ उसे मैं पागल होने वाला हूँ, क्योंकि जो मैं बात सुन के बताने वाला हूँ आपको वो वॉर टू के बारे में है। कल जो है अनाउंसमेंट हो गया था कि जो वॉर टू के डायरेक्टर होंगे वो है ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी ही वॉर टू बनाएंगे। ये लगभग 2025 के लगभग आ जाएगा, बाकी उसके बाद 26 और 27 28 के लगभग ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट रखी है। मगर ये जो अयान मुखर्जी को दे दिया गया है वो बहुत लोग उससे खुश भी है और नाराज भी है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो जो लव वगैरह मूवीज बनाते हैं वो एक्शन मूवी वॉर के लिए बना पाए हैं कि नहीं। मगर जो आदित्य चोपड़ा वो काफ़ी अच्छे दूर के जो दूरदृष्टि रखने वाले वैसे हैं, तो क्यों उन्होंने दिया उनको तो काफ़ी अच्छा किया। मगर जब आज सुबह मैंने कई सारी वीडियोज भी देखी, मैंने आर्टिकल भी पढ़ा कि वॉर टू में जूनियर एनटीआर अपोजिट होने वाले हैं, मुझे शुरू में पहले फेक लगा, जब ये कन्फर्म हो गया तो भाई सुन के मैं तो पागल हो गया हूँ कि भाई जूनियर एनटीआर वर्सेस होगा ऋतिक रोशन। भाई जो मास्क लगेगा ना वो मास्क जो है मैं तो पागल हो जाऊंगा। मगर एक चीज मुझे और दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि टाइगर से पहले इसको अनाउंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी फिलहाल देखो टाइगर इस साल के एंड में आने वाला है, उसका एक हाइप बनना चाहिए, मगर उसका हाइप कहीं इसके नीचे दब ना जाए। मुझे तो कम चांस है कि दबेगा, क्योंकि सलमान भाई का एक अलग स्वैग होता है, जब वो उसका टीजर पोस्टर अनाउंसमेंट ट्रेलर कुछ भी आएगा वो इन सबको नीचे दबा देने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई जो इस स्पाई यूनिवर्स का शुरुआत है उसने ही किया है, तो क्यों ये बवाल होने वाला है? क्योंकि भाई जब आर्टिकल में वैरायटी की तरफ से भी ये आर्टिकल आया और अनाउंसमेंट जब कंफर्म किया गया इसके बारे में, तो भाई सुन के क्योंकि जब ये क्योंकि मेरे में से लोग जो आदित्य चोपड़ा वो काफ़ी साफ माइंडेड आदमी है, उसको जब देखा कि पठान के हिंदी बैंड में अच्छा कलेक्शन कर रहा है और तमिल और पैन इंडिया उसके बनाएगा मगर उसमें अच्छा उसने नहीं परफॉर्म किया, तो उसके दिमाग में उसी टाइम खटका होगा कि भाई साउथ इंडस्ट्री से भी एक ले लो। तो इस पर उसने वॉर के लिए वो ये काम कर दिया है, क्योंकि वॉर में जब जूनियर एनटीआर वहाँ के लिए वो पूजा जाता है भाई, वो आदमी वो एक ऐसा एक्टर है उसको पूजा करते हैं वो लोग वहाँ के लोग, इतना उसका फैन बेस तगड़ा है ना कि ये मेरे उम्मीद से इस बार तो वॉर ना सबका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, 1500 से पार जाने वाला है, क्योंकि जब इंडिया बेल्ट हिंदी बेल्ट में वो कम से कम 500-600 नॉर्मल कमा लेगा तो वहाँ पे से तो 300-400 आराम से आने वाला है वोवर से मिला के, मतलब कि मेरे उम्मीद से सिर्फ इंडिया में ही ये 1000 पार करने वाला है भाई। ये मतलब कि मतलब आदित्य चोपड़ा ने जो बॉम्ब छोड़ दिया ना भाई वो पागल कर दिया है इससे, मैं एकदम एक्साइटेड क्या और मतलब ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ उस चीज़ के लिए। आप कितना एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कितना ज़्यादा एक्साइटेड वो भी नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। मिलेंगे ऐसे ही और भी वीडियोज़ में, तो जय हिंद जय भारत।